ब्रेक भी हिस्सा मुझे आया वो ब्रेक खा रहे हो सुना लो इसी को बड़े ऊपर चढ़े ब्रेक का रोड है दाखो रे ना ना अपन ना जी यार बाबू साहब वापस नीचे आ गए अभी जा रहे हैं हमजा की तरफ हमजा की तरफ रवाना है और यहाँ का व्यू चेक करें यहाँ का मौसम यकीन माने मैं तो बाहर आया और मेरे आंखों में दर्द हो रहा है सर्दी के वजह से वहाँ का और बाकी ये देखिए आप लोग माशाल्लाह अंदर लड़के बैठे हुए हैं आराम से मज़े कर रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और मेरी उंगलियाँ यार ठंडी हो गई है कुछ अभी अंदर जा रहा हूँ सर्दी अलाव जैसी हाँ थोड़ी चेंज हुई है मैं फिर बाहर आ गया आप लोगों के लिए आपको दिखाने के लिए चेक करें यहाँ पे लोग भी रुके हैं और व्यू भी अच्छा है ये भाई साहब भी खड़े हैं बाकी ये फैमिली है बंदा खड़ा था आवाज़ चेक करने के लिए अच्छे लोग हैं यहाँ के बहुत ही अच्छे लोग हैं अच्छे हैं जिसकी कोई याद नहीं है और ये सामान जो है इसमें गाइस रात को कम से कम 3 बजे हंसा पहुँच आए थे हंसा पहुँचने के बाद थोड़ी पंजाब होटल यहाँ पे स्टे किया है और अभी कम से कम 1 बज रहा है उठे हैं अभी जाएंगे नाश्ता करेंगे यहाँ से देखते हैं कोई अच्छी जगह लेकिन ये तो ये देखे सामने पहाड़ देखे और बादल देखे व्यू यहाँ का बहुत प्यारा बना हुआ है और खूब मज़े इंजॉय कर रहे हैं फिलहाल तक मतलब ट्रिप जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है और वेदर की तो कोई बात ही नहीं कर सकता मतलब इतनी ठंडक मेरी जैकेट से अंदाज़ा लगा लें कि सर्दी ही है बहुत मज़ा आ रहा है बहुत मज़ा आ रहा है तो यार ये व्लॉग शायद बहुत लंबा हो जाए और शायद या 2 या 3 पार्ट्स में कर लूँ या एकदम ही सारा डाल लूँ अभी कुछ पता नहीं आइडिया नहीं है क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा सो अभी निकलते हैं जाते हैं नाश्ता वगैरह करके फिर इंशाल्लाह बाकी आपको दिखाते हैं चीज़ें वगैरह ठीक है जी सी यू हमजा किसी मार्केट में आए यहाँ होटल है कोई नॉर्मल ये दाल मंगवाई है नाश्ता भी की है नाश्ता करके भी ऊपर जाना है बहुत ऊपर जाना है आसमान में अभी कुछ पता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं मुझे कुछ आइडिया नहीं है मिलते हैं थोड़ी देर अगर किसी को मार्बल चाहिए तो यहाँ पे लाजमी है यहाँ पे आप लोगों का बहुत सस्ता मिलेगा ये पूरे मार्बल का पहाड़ है आमीना खुदा दी भी दिया था मांगा ये देख रहे आप बहुत प्यारा मार्बल था पूरी पहाड़ी थी मार्बल की यार जिसको पढ़ने आता है ये पढ़ ले ग्लेशियर व्यू पॉइंट ऊपर नगर आप प्रोजेक्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ दी डोमेस्टिक पता नहीं क्या ड्रेसम इज अदर स्पेशल साइट फॉर ग्लेशियर व्यू मैं व्यू वगैरह आपको दिखा दूंगा बाकी ये चीज़ है बस यहाँ से ग्लेशियर नज़र सही नहीं आ रही है सारी ग्लेशियर चेक करें अब
यहाँ ऊपर जाते हैं और राम हल्के फुलके से और सामने पहाड़ की व्यू चलती है। ये नीचे व्यू था, ये सामने का व्यू है और ये नीचे सारा ग्लेशियर है। अच्छा यहाँ से चेक करें, ग्लेशियर जो है वो सामने से है, फिर नजर आ रहा, मैं जूम करता हूँ। वहाँ से आते हुए इनको छू करके ऐसे टक करके वापस चले जाते हैं और इसको देखने के लिए कम से कम एक घंटे से हम गाड़ी में, डेढ़ ढाई घंटे से हम गाड़ी में आ रहे। टा टा टा, ये वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्लेशियर, दुनिया के तेज तरीन ग्लेशियर में से एक है। तो ये है, तो इसके बाद जो है ना, इसके बाद कहाँ जाना है यार, हाँ बाकी इधर उधर जाएंगे, वहाँ का भी तो कहूँगा। फिलहाल ये तो छोटी छोटी चीज़ें लेके, बाकी ये पहाड़ है जब आप खुद आएंगे देखेंगे तो बहुत मजा आएगी। देखो ऊपर से चेक करें यार, माशाल्लाह इतना प्यारा मुल्क, इतना प्यारा मुल्क अल्लाह ने हमें दिया है, इसकी कोई याद नहीं है। सिस्टम भी अच्छा मिलता है इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर बस फिर मिलते हैं डिफरेंट जगह में, और प्यारी थोड़ी देर बाद। सो वेलकम बैक हो गया आप लोगों का। यार उस जगह का नाम भी ऊपर है, वहाँ से कम एक दो घंटे पहले आए हैं, कुछ गेम लूडो शूडो के लिए। ये देखें, ये देखें, ये लूडो खेल के जो है ना अभी फ्री हुए हैं, फ्री तो कम से कम 5-10 मिनट पहले ही हुए हैं। उसके बाद मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा अजीज़ जो कि हमारे लिए कर रहे रेडी खाना, ये देखें माशे, और अभी इंशाल्लाह तैयार होगा। तैयार होने के बाद हम आपको बताएंगे कि यार कैसे है टेस्ट। टेस्ट सोचते माशाल्लाह कल परसों भी पकाया है इसने, बहुत मज़े का पका था, मतलब बहुत टेस्टी होता है। अभी रात में ये देखो, अभी रात के कुछ बज रहे हैं, आई डोंट नो कितने बज रहे हैं, मैंने वॉच नहीं चेक की। ये रात का व्यू है, इधर हम हैं, ये एक होटल है, उसकी छत पे आए हुए हैं और छत पे आके हम बुकिंग करेंगे। इनका किचन है, किचन इनका क्लोज है, ताला तो ताला लगाया हुआ है, पता नहीं किस वजह से लगाया है, पता नहीं है। ये नीचे पेट्रोल पंप है ना, हम बिल्कुल टॉप में, और बाकी ये सारा कुछ है। इंशाल्लाह अभी कुकिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं। बस हमारे ये इधर उंजा में कल का एक दिन है, एक जगह जाना है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो उसके बाद नरान से बात रैक घर इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस व्लॉग से बहुत मज़ा लेंगे, मतलब खूब इंजॉय करेंगे। मुझे फुल अंदाज़ा है कि आप लोग मुझे प्यार दिखाएंगे, खूब पसंद करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यार ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये फाइनल 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 फाइनल, मतलब अभी फाइनल होने वाला है। और यार मुझे थोड़े 5-10 मिनट है के बाद रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम खूब मज़े से खाएंगे और आपको भी बताएंगे कैसे जायका है। जायका तो माशाल्लाह जैसे नज़र आ रहा है, खुशबू है और बड़ी चस्की लग रही है। बहुत कहते हैं ना, मास्ते। अभी इसमें दही भी ऐड होगा, मास्ते ऐड होगा, मास्ते वो भी दिखाते हैं जैसे ऐड होंगे आपको दिखाते हैं। वश्का उसका उधर का माशाल्लाह सलो माशाल्लाह। अभी का की बताते हैं, अभी इस तू करवाला माँ
یعقوب دا عمران دا دا امین دا دا تاسو دا دا تاسو پښتانه د پورا د خدا امین دا وو سوازه ما یار سو یہ فائنل لک ہے یار ہماری کڑھائی تیار ہو گئی ہے یہ فائنل لک ہے ابھی یہ کھاتے ہیں اور بتاتے ہیں او ماشاء اللہ رائتا بھی بنا ہے اور اس کے بعد ابھی ہم کھائیں گے خوب انجوائے کریں گے اس کے بعد ہم اختر کے کچھ صحیح پھر کھائیں گے ہم سو پھر ان شاء اللہ سوتے ہیں نہیں سوتے نہیں ہیں اس کے بعد وہ گرین ٹی کہوا پیتے ہیں یار ادا خدا غلط لے بڑو کھیلیں گے لوڈو کھیل کے پھر شپرا کے پیک کر دو نکلیں گے خان چہرے خان جراب تھا انشاءاللہ پھر کال ادھر جائے گا وہاں بھی ویو دکھاؤں گا تو ابھی فنش کر کے بتاتا ہوں سی یو لیٹر